आप प्रार्थना करें, और ये सब जो बाहें आए हैं आपको सुनते हैं रोज़, ये भी प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना दिल से निकले। मुंह से तो हम प्रार्थना करते हैं, उसका कोई असर नहीं। हम पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, मगर जब तक दिल साफ नहीं हो वो आवाज़ उधर नहीं पहुंचती। मगर आप जैसे खुदा के बंदे जिनको उसने ये रोशनी बख्शी है, उनसे हम सब प्रार्थना करते जो यहाँ भाई बहन बैठे हैं, कि आप भी मांगे कि हमारे न सिर्फ इस प्रांत में, हमारे देश में अमन आए और हम तरक्की की राह पे चलें, इंसान बन के और उसके खिदमत कर सकें। और मैं ये कहता हूँ, और वो आपके हमारी सबकी धर्म की किताबें कहती हैं, कि खुदा मंदिर और मस्जिद में नहीं बसता, वो इंसानों के दिलों में बसता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बापू, आप यहाँ आए, इस धरती में शांति आएगी, और यही चाहूँगा कि आप हमारी इन मुश्किलों में हमारी दुआ करें, और ये खून की नालियाँ जो बहती हैं, और कई हमारे हज़ारों लोग, लाखों लोग जो घर से उजड़े हुए हैं, बापू वो घर पहुँच जाएं, फिर वापस आए, बहुत अपने घरों में फिर वापस आए। वाह, हम बाबा फकीर हैं, हम तो शुभकामना करेंगे, दुआ करेंगे, और क्या करेंगे। आप ये भावना करेंगे कि जो हजारों लोग अपने घर छोड़कर बेवतन हुए बेचारे, वे अपने अपने घर वापस आएं, और हमारे पड़ोसी मुल्क वाले अथवा और ताकतें हमें तोड़े फोड़े नहीं, हमारा ऋषियों का देश, सबकी भलाई चाहने वाला, मनुष्य मात्र की क्या, प्राणी मात्र की भलाई चाहने वाला हमारा देश, अमन चमन साहस और शक्ति से संपन्न हो। आप आत्मिक बल में, जैसे राजगोपालाचार्य ने 1956 में सामूहिक प्रार्थना करते करते गोता मारा था पब्लिक के साथ, और अकाल ग्रस्त वातावरण मद्रास का, मानसून चला गया फिर भी बरसात कर दिखाई उस मुख्यमंत्री ने, प्रार्थना हृदय की प्रार्थना पब्लिक की और उसकी थी। ऐसे ही आज बाहर की वृष्टि नहीं, लेकिन आंतरिक सामर्थ्य की वृष्टि, हमारा मुल्क जो हमारा सदियों से ऋषि मुनियों का इलाका रहा है, भारतीयों का इलाका रहा है, वो भारत अपने ही बल बूते ओज तेज में, अमन चमन में चमके, संकल्प वातावरण में फेंकेंगे, अपनी दिव्य भावनाओं को वातावरण में फेंकेंगे, देर सवेर वो काम करेगी।
ओम 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 हरि ओम 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 गम गणपतये नमः गम गणपतये नमः ओम नमो सिद्धि विनायकाय ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व विघ्न प्रशमनाय श्रीम ओम स्वाहा श्रीम ओम स्वाहा ओम नमो सिद्धि विनायकाय ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व विघ्न प्रशमनाय श्रीम ओम स्वाहा श्रीम ओम स्वाहा ओम 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 राम 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 ओम 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 भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गहरी शांति परमात्मिक शांति ओम शांति हमारा भारत अखंड भारत हमारा भारत साहसी और सजग भारत हमारा भारत सात्विक और सतेज भारत ओम 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 जग में शांति फिर आएगी फिर से खुशहाली छाएगी गुरु ज्ञान की बजेगी शहनाई रे प्रभु की होगी मेहर कृपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गहरी शांति मधुर शांति परमात्मा शांति से ईश्वरीय सामर्थ्य मानवीय अंश में विकसित होता है। परमात्मा शांति में रोज गोता मारना थोड़ा बहुत शुभ संकल्प कर लेना कभी तो भनक पड़ेगी राम के कान
और हो जाएंगे आपके काम। ओ भारत फिर से महान बनेगा, विश्व गुरु के पद पर देर सबेर आसीन होगा, विश्व मानव को शांति और भाईचारा का अमृत पान आपका भारत ही करा सकता है। ओम 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 ओम। कोई दो राय नहीं, भारत फिर से महान बनेगा, जग में शांति फिर आएगी, फिर खुशहाली छाएगी, हरि नाम की बजेगी शहनाई रे, प्रभु नाम की बजेगी, अल्लाह नाम की बजेगी शहनाई रे। बिल्कुल मंगल, कल्याण, माधुर्य के दिन आएंगे आएंगे आएंगे। भारत उन्नत होगा, विजयी होगा। और अब ये शुभ घड़ियां, शुभ दिन आएंगे ऐसा आप सभी का दिल बोलता है कि नहीं बोलता है? कश्मीर का मसला हल होगा और आपका भारत खुश आनंद में रहेगा ऐसा लगता है कि नहीं लगता? आध्यात्मिक संकल्प बड़ी ताकत रखते, बड़ा काम करते।